एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है गुरुवार, रात का समय है और अभी 11:40 हो रहा है। हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए, तो जा रहे हैं दुर्गापुर। और इस मंथ में हमारा दुर्गापुर का जर्नी 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो बस देखते हैं अभी कितना और टाइम लगेगा इस ट्रीटमेंट में। तो चलिए पहले स्टेशन पहुंचते हैं, गाड़ी कितने बजे आती है देखते हैं। अभी तो टाइम दिखा रहा है गाड़ी 12:20 में, मतलब पहले तो गाड़ी था टाइम 10:30 में, फिर ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। देखते हैं वहां पर पहुंचते हैं तो कितना बजे आती है गाड़ी, उसके बाद फिर हम लोग। कितना टाइम हो रहा है? 12 बज गए हैं, हम लोग पहुँच गए हैं। पता नहीं गाड़ी कितने बजे आएगी। 1 बजे पहुंचे ना हम लोग? नहीं, 1 बजे गाड़ी आई। छवि का वीडियो बनाता। A few moments later. Hello everyone, good morning. और सुबह के कितने बज रहे हैं जी? कितने बज रहे हैं? 7:45 होने वाला है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं दुर्गा, मतलब पहुंचने वाले दुर्गापुर। तो बस पहुंच गए हम लोग दुर्गापुर। यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। अभी भी बारिश हो रहा है क्या? पानी अभी हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि 8 बजे हमारा जो रूम बुक होता है ना, 8 बजे हम लोग को मिलता है। तो अभी पेपर वर्क होगा, अभी यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग को रूम मिल गया है और यही रूम है जो पिछली बार भी यही रूम हम लोग को मिला था, मतलब यही रूम हम लोग बुक करवाते हैं ना जी। हाँ, चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं, अब ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। A few moments later. तो फ्रेंड्स हम लोग हो गए हैं तैयार और निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। नाश्ता वास्ता सब हो गया हमारा, नाश्ता हम लेके आते हैं घर से ही, तो बस नाश्ता कर लिए हैं, अब निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। हम लोग ले लिए हैं ऑटो और अब निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। कल से स्टार्ट हुआ। वो तो हो सकता है उधर भी बारिश हो, स्टार्ट नहीं भाई, 10:15 हो रहा है और एकदम लग रहा है कि ठंडा मौसम है। Thank you.
A few moments later. तो फ्रेंड्स हम लोग ना निकल चुके हैं हॉस्पिटल से। ये देखिए इसके हमारे पीछे हॉस्पिटल है और अभी हम लोग निकल गए हैं। देखो इधर देखो, छवि का ट्रीटमेंट हो गया है। दांत का जो वायर वगैरह वही चेंज हुआ है इस बार भी। कहाँ नहीं कमाना है, अरे अभी हो गया ना, हाँ, हाँ, सब हो गया ना। A few moments later. वाह, हेयर स्टाइल। तो फ्रेंड्स अभी ना 1 बज रहा है और हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो देखिए छवि गेट खुल रही है और पति देव लाने गए हैं पानी। लेकिन यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा ना, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ जैसा हो जाए ना गया में, तो मार्केट का जाने में भी बनेगा। हमको मार्केट भी जाना है, धूप की वजह से निकल नहीं रहे हैं। तो बस आ गए हैं अभी रूम में, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर 3:30 बजे हमारी गाड़ी है तो निकलेंगे यहाँ से। A few moments later. हाय फ्रेंड्स, तो अभी 3 बज गया है और अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी सामान निकला था थोड़ा बहुत, वो सब पैक कर दिए हैं और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। तो इस बार छवि का जो ट्रीटमेंट हुआ है ना, उसमें वायर देखिए बेटा, तो ये जितना दांत है ना सब सीधा हो गया है। मतलब जो दांत है इसी को आगे करना है यहाँ पर, देखिए ये सब लगा हुआ है, सारा दांत सीधा हो गया पहले से। बस इस दांत का ही ट्रीटमेंट अभी हो रहा है, ये वाले दांत का। तो बस यही सब हो रहा है अभी और अब हम लोग ना बस 3 बज गया है तो निकलते हैं। राइट टाइम था गाड़ी। चलो हम लोग फाइनली अपने सीट पे बैठ गए। एकदम राइट टाइम था, हम लोग अपने सीट पे बैठ गए हैं। A few moments later. पहुंचने वाले पूरा अंधेरा अंधेरा है।
few moments later. ब्लैक और फ्रेंड देखिए अभी हम लोग ना गया स्टेशन पहुंच गए हैं और मेरे हस्बैंड गए हैं बाइक निकालने आज बाइक लेने गए हैं बैठो A few moments later. ये 8:30 हो रहा है हम लोग घर आ गए हैं और हम खाना लेके इस बार आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी है तो अभी खाना बनाना तो मुश्किल है इसलिए खाना लेके आए हैं आयुष आइसक्रीम रख दो तो फ्री में और इसको भी रख दो तो बस ये गए हैं बाबू को लाने के लिए दीदी के घर पे वो दीदी के घर पे था तो चलिए अब फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे A few moments later. तो फ्रेंड्स अभी ना हम लोग वेट कर रहे हैं ये अभी बाबू को लेके नहीं आए हैं तो आता है तो फिर हम लोग सब अभी खाना खाएंगे नहा धो लिए एकदम फ्रेश है और इनका ट्रीटमेंट वाला समय बीत गया इसी मंथ से स्टार्ट किए थे दुर्गापुर हम लोग 2 साल पहले और अभी भी 1 साल और है ट्रीटमेंट का तो बहुत फ़र्क पड़ा है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हम लास्ट जब ट्रीटमेंट इसका मतलब जब ये ट्रीटमेंट इसका ख़त्म हो जाएगा ना तो हम आपको पूरा इसका फ़ोटो दिखाएंगे फ़ोटो मैम रखी रहती हैं और हम भी रखे हुए हैं तो फ़ोटो सब दिखाएंगे कि किस तरह का पहले दांत था और अब दांत कैसा हो गया तो पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाने के बाद ही दिखाएंगे ताकि समझ में आए और मैम बहुत अच्छी हैं बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करती हैं और अच्छे से समझाती भी हैं क्योंकि देखिए ऐसे बताती हैं तो वो बहुत सही लगता है और बस यही सब है तो चलिए अभी आ जाएंगे फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फिर मिलेंगे बाय बाय गुड नाइट शुभ रात्रि